फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से सिविल इंजीनियर बिल्कोन में। दोस्तों, आप लोगों को मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था और इसमें सारा चीज़ आपको दिखाए थे कि होल सेलिंग जो बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं और बनाने से पहले क्या क्या उसमें किया जाता है, वो सारा डिटेल मैंने बताया। और ये जो आपका इनकम्प्लीट जो आपका वीडियो था होल सेलिंग का, तो मैं अभी इसको पूरा बना रहा हूँ और दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो होल सेलिंग पहले दिख रहा था वो अभी कैसा दिख रहा है। ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों को मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, पूरा कंप्लीट हो चुका है होल सेलिंग। इधर भी कंप्लीट हो गया था, उस साइड भी कंप्लीट है, बट अभी लाइट का भी काम रुका हुआ है क्योंकि अभी कुछ दिन, एक दो दिन बाद लाइट का भी काम हो जाएगा यहाँ पर। अभी पुट्टी का काम यहाँ पर कंप्लीट है। आप लोगों को वीडियो में दिखा हुआ किस तरीके का वॉल था, अब वॉल को क्या कंडीशन में किया गया है, कितना सुधार किया गया है, वो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर। अभी जो है पुट्टी का काम चल रहा है यहाँ पर, आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ सारा चीज़ यहाँ पे बढ़िया से। पहले का कंडीशन क्या था और अभी कंडीशन क्या है वो आप लोगों को दिखता होगा। और यहाँ पे सलमान भाई जो हैं, जो पुट्टी के स्पेशलिस्ट हैं, यहाँ पर देखिए काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा इनका भी फिनिशिंग है जो पुट्टी का काम ये कर रहे हैं यहाँ पर। अभी ये जो लेयर है, अभी कौन सा लेयर अभी चल रहा है इस पर, सेकेंड के फर्स्ट लेयर सलमान भाई, सेकेंड लेयर अभी चल रहा है और फर्स्ट लेयर वॉल एक बार हो चुका है पूरा वॉल को एक प्लेन बनाने में, क्योंकि वॉल का जो कंडीशन था बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, जिसके वजह से पुट्टी का मटेरियल भी काफ़ी इसमें यूज़ हो रहा है, क्योंकि मुझे वॉल को बिल्कुल प्लेन दिखाना है, लेवल में दिखाना होगा। और आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पुट्टी को यूज़ किया जा रहा है, बनाया जा रहा है यहाँ पर। अभी दो लेयर हो चुका है और फाइनल तीसरा लेयर में फाइनल हो जाएगा, उसके बाद घिसाई का काम चलेगा पूरे वॉल पे। उसके लिए यहाँ पे जो भी पेपर होता है जिसे घिसते हैं वो देखिए आप लोगों को दिख, ये वाला है, इसी से वॉल पे घिसाई किया जाएगा। इसमें बिल्कुल छोटा छोटा कण होता है जिसके वजह से जो घिसते हैं यहाँ पर हम लोग, तो ये पूरा चिकनाहट यहाँ पर आता है पूरा। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से पुट्टी को वॉल में हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं आपको। इनका काम भी काफ़ी फास्ट है, बहुत जल्दी ये काम कर देते हैं क्योंकि इनका एक्सपीरियंस भी बढ़िया है। ये आउट ऑफ कंट्री भी वर्क कर चुके हैं, गल्फ में भी काम कर चुके हैं ये। दोस्तों, ये सलमान भाई हैं जो जम्मू में ही रहते हैं, इनका काम भी चलता है। अच्छा, ये सलमान भाई बताएं यहाँ पर कि जो पुट्टी आप करते हैं तो सबसे पहले पुट्टी करने से पहले क्या चीज़ का ध्यान देना चाहिए, वॉल में क्या करना चाहिए, अगर प्लास्टर किया हुआ है तो क्या करना चाहिए? प्लास्टर किया हुआ है तो पहले उसको साफ़ सफाई करना चाहिए, पट्टी से बढ़िया झाड़ झूठ कर उसके बाद फिर पुट्टी चढ़ाना चाहिए। और ये जो टाका देते हैं, जो मारते हैं वॉल में, जो प्लेन रहता है, तो उससे क्या क्या होगा, उससे पता होता है, उससे बेहतर क्या कर सकते हैं? जो बहुत जगह वॉल पे आप देखते होंगे कि टाका मार करके उस पर पुट्टी चढ़ाता है, उससे बेहतर क्या कर सकते हैं? उससे बेहतर है कि उसको सफाई में बढ़िया से घिसाई कर दो, मशीन के जरिए से घिसाई करके उस पर पुट्टी चढ़ाना बढ़िया होता है। कम से कम कितना लेयर का होना चाहिए पुट्टी? तीन लेयर। फर्स्ट लेयर पूरे में कर देने के बाद सेकंड लेयर, फिर तीसरे लेयर के बाद, तीसरे लेयर के बाद घिसाई होना चाहिए, फिर प्रेमर होना चाहिए, पेंट मारा जाएगा, फिर किया जाएगा अच्छी तरीके से। और देखिए आप इनका
इस तरीके से हाथ चल रहा है यहाँ पर पुट्टी का, आप लोग को दिखा रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद बावजूद भी कहीं पर भी जैसे छूटता है, जैसे ये सब देख रहे हैं आप, तो उसे भी एक बार और फिर से प्लेन किया जाएगा। ये वॉल है, वॉल में आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे अभी देखिए प्लेन किया हुआ है, और यहाँ पे जब घिसाई होगा तो और ज़्यादा बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, जो कि वॉल का बहुत ही गंदा कंडीशन था और ये सुधार किया गया है पूरा। ये कॉर्नर ये सब जो दिख रहा है आपको, ये सब कॉर्नर बिल्कुल एकदम नहीं था बना हुआ पहले, आप वीडियो आप देखे होंगे उसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन इसे सही किया गया सारी जगह। बाकी इसमें कलर जो होगा, फिर आपका यहाँ पर फॉल सीलिंग में जो होगा, जो कोब लाइट जलेगा तो वो सब का भी हम दिखाएंगे किस तरीके का लाइट होता है, कोब लाइट में जो लाइट लगाते हैं वो कैसा होता है, वो सब भी आपको डिटेल्स में बताएंगे यहाँ पे, और क्या कॉस्ट पड़ा है वो भी हम बताएंगे आपको। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि दूसरों तक भी ये मैसेज पहुँच सके, जानकारी मिल सके। तब तक के लिए दोस्तों, टेक केयर एंड गुड बाय।